इतना जल्दी तो साल भी खत्म नहीं होता जितना जल्दी बिग बॉस का दूसरा सीजन आ जाता है। अबे शो वालों थोड़ा तो सांस भी लेने दो। खैर छोड़ो, ये हमें सांस लेने नहीं देंगे तो आज हम इन्हीं की सांस लेते हैं। मेरा मतलब आज हम बिग बॉस को रोस्ट नहीं करेंगे। उससे भी बुरा। तो आओ अपने कानों में ईयरफोन डाल लो और शुरू करते बिना किसी बकचोदी के। शो की हाइप जैसे बढ़ गई थी ना कि भाई एल्विश आया। मैं उनको जानता नहीं था पहले। मैंने उसका वो देखा था YouTube वर्सेस TikTok, उन्होंने रोस्ट किया था, उसकी वजह से हमारा TikTok भी बंद हो गया था। तब पता चला था कि वो इस बंदे ने बंद करा दिया तो हमारा कामकाज खत्म हो गया। अबे इन सालों को बिग बॉस में ले कौन रहा है? अब टिकटॉकर रील्स में नहीं बिग बॉस के घर में मुजरा करने वाले। और क्या टिकटॉक एल्विश ने उड़ाया था तो फिर कैरी के गांड में तेल लगा रहा था। इनसे मिलो, ये है अभिषेक कुमार, ये माचिस की तिली की तरह है, जलता बस एक ही बार है। आखिर टिकटॉकर जो है, मैं दिल से नहीं दिमाग से खेलूंगा। अब इसको ये गलतफहमी कैसे हो गई कि इसके पास दिमाग भी है? अगर बात यही है तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब गधा बोले मैं घोड़ा हूँ। और देख अभिषेक भाई, जिस हिसाब से तेरा गेम चल रहा है वैसे ही चलने दे, आखिर निकल के रील्स में गांड भी तो हिलाना। मैं भी जब जाऊंगा मैं ऐसी चीजों पे जाऊंगा फिर आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे, उस चीज को याद रखो। अभी मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं उन सब चीजों पे आ गया फिर मत बोलना। ना ना, ये बिग बॉस का गेम नहीं, ये दोनों एक्स है। जब साथ आए तो सलमान भाई के सामने ही लड़ना शुरू कर दिया और इनको ऐसे लड़ता देख मुझे सलमान खान का वो दिन याद आ गया। तो इनसे मिलो, ये है तहलका भाई, ये भी यूट्यूबर है पर इसको मैंने पहली बार देखा। लगता है तहलका भाई वीडियोस को एयरप्लेन मोड में अपलोड करता है। सारा सामान कितने का है? तो अंकल जी बता रहे हैं ये सामान 200 रुपए का है, 300 रुपए का है, खरीद ले, ले ले सारा सामान ले ले। मेरा नाम है तहलका भाई, मैं जा जाता हूँ सारा सामान ले लेता हूँ। वो अरे गरीबों का मसीहा, तुझे देख के आंखों से आंसू नहीं, तेजाब निकल रहा है। बस 200 का केला खरीद के खुद को अंबानी वाली फीलिंग दे रहा है। केला ना खरीद के टिकटॉकर खरीद लेता तो केला से काम चलाना नहीं पड़ता। तो बिग बॉस का ये है 17 सीजन, 17 का मतलब खतरा। तो यही है इस साल के जोकर, जो सो कॉल्ड कूल और सिग्मा बनने के लिए कभी भी अपने ही गांड में आग लगाने के लिए तैयार रहता है। तो क्या अब तक तुम लोगों ने बिग बॉस नहीं देखा? बिल्कुल सही जा रहे हो, तुम लोग बस ऐसे ही जाओ, पीछे मुड़ के मत देखना वरना जिंदगी के कब लौड़े लग जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो ये है परिणीति चोपड़ा का लाइट वर्जन, मनारा चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा, इन दोनों के साथ मनारा चोपड़ा का बस एक ही कॉमन चीज है, उनका सरनेम। अरे भाई मैं कर रहा, चलो ठीक है अभी रुको, मजा अभी बाकी है। मैं लिख के याद करूंगा मैंने सुबह क्या करा। भाई मैं ना मस्त लौंड रहा हूँ, सुबह से घूम रहा हूँ, खा रहा हूँ मस्त एकदम, मैं ना याद नहीं रखता। ठीक है भाई, बोल रहे हैं तो समझ रहे। यूके भाई बुरा मत मानना, याद कैसे रहेगा, सर पे बाल जो इतने हैं। और मैंने जितना भी बिग बॉस देखा है सारा सीजन को मिलाकर, बिग बॉस के घर में यूके भाई जैसा जोकर न कभी था न कभी होगा। यूके भाई खुद के बातों में खुद ही कंफ्यूज हो जाता है और दूसरों को करता है वो अलग। भाई मैं ऐसे ही हूँ, तुम बार बार एक ही चीज बोलोगी तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करूँ। तू कैसा है, सवाल भी यही है कि तू कैसा है, तुम बार बार क्यों एक ही चीज बोली जा रही हो? आखिर बिग बॉस इसी का तो नाम है, एंटरटेनमेंट पूरा है, हाथों में बस पॉपकॉर्न की कमी है, होता तो मजा ही आ जाता। अबे साले अबे भोसड़े के तू कैसा है अब तो बता दे। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ सुनते सुनते कानों में दरार पड़ चुकी है, मगर अब तक नहीं देखा कि तू कैसा है। मैं तुझे बता रहा हूँ कि तू कैसा है पहले बता दे, अगर मैंने दिखा दिया ना तो वापस टिकटॉक में नाश्ता मिलेगा। भाई इसमें तो झगड़ा का, मुझे तो इसमें वाइप आ रहा है। देखो भाई वीडियो लंबी भी हो सकती थी मगर नहीं किया, दूसरा भी वीडियो आएगा, टेंशन मत लो। तो बस ये वीडियो भी मैं यही एंड करता हूँ। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसा वीडियो मैं लाता रहूंगा तो मैं एंटरटेन करता रहूंगा। अब मैं चलता हूँ, मिलते अगले वीडियो में।